नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आधार कार्ड को लेकर। अभी नया अपडेट बार बार आ रहा है जो कि इस प्रकार है। आपको एक मैसेज आ रहा होगा मोबाइल पे, जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा आपके पास, तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा कि आप अपना आधार को अपडेट करवाएं, नहीं तो आपका आधार कार्ड ब्लैक हो जाएगा या ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ऐसा इस टाइप से कुछ मैसेज आएगा, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, इसको भी आपको पता चल जाएगा। या किन्हीं का मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं होगा तो उन लोग को भी आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर करना क्या है समझ लीजिए। जो भी कोई अपना आधार को एक्टिव नहीं किए हैं किसी कारण से, एक्टिव कहने का मतलब ये है जिससे वो कुछ दिन से यूज ही नहीं कर रहे, जैसे ना कोई सिम लेना, ना कोई आधार से पैसा निकाल बाहर करना, या ना आधार पर कोई भी काम करना, तो इससे क्या होता है ना कि आधार इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि आधार में बहुत दिन से कोई भी अपडेट नहीं किए हैं, जैसे कि अपना एड्रेस हो, नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, बायोमेट्रिक अपडेट। जैसे कि एक समय था जब आधार कार्ड बनना चालू हुआ था, जब से तो उसी समय का उनका आधार कार्ड बना हुआ है, मगर वो बाद में किसी भी प्रकार का उसमें अपडेट नहीं किए, जैसे नाम वगैरह कुछ भी। चलिए मान लीजिए मेरा नाम तम सब सही था, मेरा सब कुछ सही था, मगर नाम सही होने के बावजूद भी मेरा क्या दिक्कत आ रहा था कि सब कुछ तो अपडेट था मगर मैसेज क्या आ रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, ठीक है। तो आपको आधार के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपका सब कुछ अपडेट है, सब कुछ सही है, तो आप अपना आधार को अपडेट कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एक समय था कुछ दिन पहले जब आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक का बार बार लोगों को बताया जा रहा था, पेपर में भी दिया जा रहा था कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर ले, नहीं तो आपको आगे दिन चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा। तो कुछ लोगों ने वो चीज को सही समझा और उन्होंने करवा लिया, मगर कुछ लोग ऐसे जो किसी कारण से वो नहीं करवाए, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ गलती हो, नाम गलती हो, या किसी भी कारण से वो लोग अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं करवाए, जो कि आपको उसके जब अपडेट होने का सिस्टम बंद हो गया फ्री में, तो बाद में उस चीज का 1,000 पेनल्टी लगना चालू हो गया, मतलब पैसा लगने लगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं लगे और आप फ्री में अपडेट अभी करवा ले, तो इससे क्या होगा कि आपका वो चीज कंप्लीट हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहां लिखा है फ्री, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2024, मतलब अभी तो तीसरा महीना चल रहा है, आज दो तीन दिन में खत्म ही हो जाएगा। तो मेरे कहने तो अभी भी आप लोग के पास 2 महीने का समय है, अगर आप कुछ भी आधार में अपडेट करना चाहते हैं तो या तो उसको अपडेट कर लीजिए, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी। तो इससे क्या होगा, आपका आधार अपडेट हो जाएगा, बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा, नंबर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ करना चाहते तो। या आपका आधार में कुछ भी गलती नहीं है, कोई चीज आपको चेंज नहीं करना है, तो कम से कम उसके वेबसाइट पर जाके आप खुद से आप अपना आधार नंबर से लॉगिन करके इसको खुद से जो है अप्रूवल दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें आ रहा है कि प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली, फॉलो द एक्सेप्शन सजेशन एट वेरियस स्टेप टू अवॉइड एनी डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट इफ यू आर लुकिंग टू अपडेट योर एड्रेस, प्लीज अपडेट या प्लीज क्लिक है, ठीक। देखिए आपका जो आधार कार्ड पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है या एड्रेस है, वो सब अगर सही है तो कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो देखिए जैसे कि मेरा ये डिटेल आ रहा है, मेरा ये नाम है, मेल है, मेरा एड्रेस है, ये सब मेरा सही है, ठीक है। अगर ये सब सही है मेरा, तो इस पर हम क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि ये मेरा काम, मतलब मेरा ये अपडेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, अगर हम इसको कर देंगे तो। अगर जैसे कि किसी ने खोला, जैसे कि सपोज आपका है, आपने खोला, आपने देखा कि आपका डेटा बेस में गलती है या आपका एड्रेस गलती है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो, अगर खुद से करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको आवासीय लगेगा। मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एड्रेस गलती है, तो आप अपना एड्रेस मतलब लेके, अपना आवासीय लेके, या आपका जो आवासीय हो गया या आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेके आप इसमें एड्रेस में जाके जो भी चीज आपको अपडेट करना है वो आप अपना अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए इस प्रकार से, इसके बाद आपको जो यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ जो एड्रेस है अपना, आप अपना एड्रेस को केयरफुली जैसे जो मांग रहा है इस प्रकार से अपना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पिन कोड, जैसे पिन कोड डालेंगे ना तो यहाँ पे सब कुछ आपका आ जाएगा, ये स्टेट, ये बिहार, पिन कोड जो भी है, यहाँ का भी आपको पिन कोड होगा वो अपने आप इस पे ले लेगा। कुछ जो जरूरी डाटा भी ले जाए, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ आपको देख देख के भरना होगा जो आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे कि आवासीय लगाएंगे या वोटर आईडी कार्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। जो भी हो, अगर आप आवासीय से करेंगे तो यहाँ पे आपको आवासीय का ऑप्शन दिया गया, ये डोमिसियल सर्टिफिकेट, ये
भी डाल सकते हैं, या अगर आप अपना वोटर आईडी से कार्ड से करना चाहेंगे तो आपको नीचे में ऑप्शन आ जाएगा वोटर आईडी कार्ड का, इस प्रकार से तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड देके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका वो चीज अपडेट हो जाएगा। अगर कुछ भी अपडेट नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, मान लीजिए कुछ भी नहीं करना, तो बस सेम प्रोसेस, मतलब आपका सब कुछ सही है, आपका नाम, आपका पता, वो सब कुछ सही है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक, सिंपल सा ट्रिक है। बस आपको यहाँ पे जो फ्री अपडेट है इसमें जानना है, इस प्रकार से इसको नेक्स्ट करना है, इस प्रकार से इसको फिर से नेक्स्ट करना है, आपने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, इसको नेक्स्ट करके आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको मांगेगा कि आपका सब कुछ सही है। इसके लिए आपको, क्योंकि अपडेट तो करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे कि वहां था वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय, जो भी है, ठीक है, वो चीज में देखे नेक्स्ट कर दीजिए, आपका वो चीज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया यहाँ पे अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यहाँ पे पूछा जाएगा, वो आप लिख दीजिए, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, वो आपको फ्री में हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। मगर ये चीज फ्री है, मगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो मतलब एड्रेस का है इश्यू, कुछ गलती है, तो आप फिर उस प्रकार से डॉक्यूमेंट में जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, जो जिसमें आपको यहाँ पे आपको ₹50 के चार्ज भी लगेगा। मगर अगर सब कुछ सही है आपका, तो बस नेक्स्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट जो आपको आवासीय या आधार कार्ड है जो आपका है वो आपने लगा दीजिए विदाउट करेक्शन। देखिये यहाँ पे वो करेक्शन करने का मौका नहीं मिला, अगर आप करेक्शन करेंगे तो आपको इस पोजीशन में आके करना होगा, यहाँ पे इसमें आपको करेक्शन करना होगा, ठीक, तब लिख सकते हैं। अगर कुछ भी करेक्शन नहीं करना, सीधा आप वहां सब कुछ सही है मेरा, बस आवासीय या वोटर आईडी कार्ड डाल के इसको अपडेट कर दीजिए, तो क्या होगा कि जो आपको मैसेज आ रहा बार बार अपडेट करने का, तो वो मैसेज आपको नहीं आएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये वो फ्री सेवा, फ्री में कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आपको मैसेज आता है तो। मगर ये करना सबको अनिवार्य, आपके घर में मम्मी है, पापा जो भी है, सबका डॉक्यूमेंट मतलब आधार लॉगिन करके आप इस प्रकार से देख लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो उनका वोटर आईडी कार्ड या उनका आधार कार्ड लगा के इसको सबमिट कर दीजिए, ताकि आपको आगे टाइम फ्री में मतलब हो जाए, आपको पैसा नहीं लगे, नहीं तो आगे टाइम आपको इसमें पैसा लग सकता है, जो भी हो 50, 100, 240 का हो सकता है, ठीक है। अभी आपको फ्री में हो रहा है तो फ्री में कर लीजिए खुद से। चलिए अब इस पोजिशन में आएंगे कैसे, सिंपल से बताता हूँ ट्रिक। आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना माई आधार लॉगिन, इस प्रकार से माई आधार लॉगिन करके आइएगा, यहाँ आपको पूछा जाएगा आपका आधार नंबर और आपका जो मोबाइल रजिस्टर मोबाइल है उस पर ओटीपी चला जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका आधार नंबर, इस पर डाल दीजिए, यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए, लॉगिन करिएगा, लॉगिन ओटीपी भी जो आपका रजिस्टर नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा, लॉगिन करके आगे बढ़ जाइए। जैसे लॉगिन करेंगे तो यही प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें आप कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट आपको अगर कुछ चेंज नहीं करना तो सीधा इसको ओपन करिए, डॉक्यूमेंट आधार मतलब आवासीय या वोटर आईडी अपलोड कीजिए और नेक्स्ट करके सबमिट कीजिए, तो आपका ये फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी कोई अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि और लोग को बेनिफिट हो, फ्री में ये काम उनका हो जाए। थैंक यू दोस्तों।